हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। दोस्त, मेरे पास एक पीसी है। पीसी में प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने सिस्टम को ऑन किया, ऑन करने के बाद स्क्रीन पे डायरेक्ट ऐसे एरर आ रहा है। इसमें ये बता रहा है कि रिकवरी के लिए, ठीक है, इसके साथ कुछ एरर कोड भी दे रहा है। एंड में देखिए प्रेस एंटर टू ट्राई अगेन, उसके नीचे देखिए प्रेस F8 फॉर स्टार्टअप सेटिंग्स। ठीक है, अगर आपके पास भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, प्रेस एंटर टू ट्राई अगेन, प्रेस F8 फॉर स्टार्टअप सेटिंग। ठीक है, F8 प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है इसमें देखिए, मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8 देखिए सेम प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, एंटर करने के बाद क्या होगा, एंटर को भी हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, एंटर को प्रेस करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना है। ठीक है, देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी बूटेबल पेन ड्राइव है विंडोज 10 का। ठीक है, आपके पास जो भी विंडोज है उसी हिसाब से आपको पेन ड्राइव बूटेबल करना है। अगर आपको ये पता नहीं बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक है। देखिए यहाँ पे सिस्टम को हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या करना है कि सिस्टम को शट डाउन करना है। ओके, आप करना है, फिर पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। ओके, इंसर्ट करने के बाद फिर ऑन करना है। ओके, ऑन करने के बाद फिर बोटिंग की को प्रेस करना है। यहाँ पे मेरा जो बोटिंग की है F9 है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके फिर ऑन करना है सिस्टम को। ओके, ऑन करने के बाद फिर बोटिंग की को प्रेस करना है। देखिए बोटिंग की को प्रेस करने के बाद देखिए सिस्टम ऑन हो रहा है। ओके, अभी क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, इसमें देखिए क्या करना है हमको, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है नो करना है, क्यों यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना है, इसलिए नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद देखिए विंडोज ऐसे स्क्रीन आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना है कि यहाँ पे क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव करना है। ओके, रिमूव करने के बाद देखिए डायरेक्ट सिस्टम ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने पेन ड्राइव को रिमूव करके रखा हूँ, डायरेक्ट सिस्टम ऑन हो रहा है। ओके, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि पीसी से हार्ड डिस्क को खोलना है, खोल के फिर फिक्स करना है। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। सिस्टम ऑन हो रहा है, परफेक्ट, इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इस प्रकार का प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नए बड़े के साथ मिलेंगे।